शिमला में स्नोफॉल के नेक्स्ट डे यानी कि 2 फरवरी, 1 को स्नोफॉल हुआ था, कल के दिन मैं लाइव स्नोफॉल आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे शिमला का, उसमें लकड़ बाजार भी शामिल था लाइव स्नोफॉल में। आज नेक्स्ट मैं आपको शिमला के लकड़ बाजार का स्नोफॉल भी दिखाऊंगा। काफ़ी स्नो यहाँ पे सड़क पे मुझे दिख रहे हैं। सुबह का अभी 9:30 9:30 हो रहा है, तो यहाँ से मैं एक और से शुरू करता हूँ जहाँ पे HRTC की शेयर टैक्सीज ये आते हैं संजौली से, यहाँ पे आती हैं और यहाँ से मैं लगभग ये 1.25 किलोमीटर जस्ट लेस देन 1 किलोमीटर का पैच है ये पूरा लकड़ बाजार। तो एक साइड से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से और फिर आपको मैं लेके चलूँगा उस एंड तक जहाँ पे वो रिज पे जाके मर्ज हो जाता है लकड़ बाजार, तो वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र। यहाँ से हम जस्ट स्टार्ट हुए हैं और ये देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे शेयर टैक्सी जो वगैरह आती हैं आज तो आ नहीं रही हैं, तो ये जो पब्लिक वगैरह हैं जो टूरिस्ट हैं वे खुद ही बैग ढोने को मजबूर हैं और जस्ट वॉक कर रहे हैं रोड्स पे। और यहाँ लकड़ बाजार के रोड्स पे देखें तो अभी तक यहाँ पे रेता या बजड़ी नहीं है, बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स लगभग 4-5 इंच अगर आप देखें स्नो तो वो यहाँ पे जम चुका है बिल्कुल, मतलब आप देखिए यहाँ से पता चलेगा लगभग 5 इंच तो है थिकनेस इसकी जो जम चुकी है, जबकि ये स्नो कटर से निकाला जा चुका है तब ये हाल है। निकालने के बाद देखिए कैसे स्नो कटर से ये साइड में लकड़ बाजार में ये स्नो वगैरह यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स पे हम लोग वॉक कर रहे हैं इस टाइम पे। ये थोड़ी सी कभी डिफ़िकल्टीज वगैरह आ जाती हैं स्नोफॉल में, वैसे तो स्नोफॉल बहुत ही ज़रूरी है लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं वो बता रहा हूँ आपको क्या हो गया। और ये देखिए कैसे गाड़ियों में ये जंजीर लगा के गाड़ी को ड्राइव करते हैं या 4x4 हो तक चल पड़ती है गाड़ियाँ, तो ऐसे चक्कों में ये लोहे की जंजीर वगैरह लगाने पड़ते हैं। लकड़ बाजार मार्केट में अभी हम लोग अभी घूमते हुए यहाँ पे देखिए सुबह सुबह स्ट्रीट फूड्स की जो शॉप वगैरह हैं वो भी अभी खुल गई हैं, तो समोसे वगैरह दिख रहे हैं इधर, अभी फ्राई होने बाकी है, जब फ्राई होने शुरू होंगे तो लोग खाने भी शुरू कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए सुबह सुबह ये ग्रेवी वगैरह बनना शुरू है। ये मॉर्निंग का भी 10:15 हो रहा है 2 फरवरी को, तो ऑलमोस्ट जो खाने पीने की नाश्ता लंच डिनर वाली जो दुकानें हैं वो खोलने शुरू हो गई है। देखिए तंदूर भी लग गया है और ये खाना पीना स्टार्ट है, ये रहना तो शुरू हो गया है, इतने कस्टमर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। यह अमर भोजनालय, लेकिन इन स्नो के बीच ये बड़ा अच्छा रहा है इस बार कि 2 साल के स्पेल के बाद स्नो हुआ है यहाँ पे, और इस बार भी काफ़ी लंबा वेट कराया, काफ़ी प्रेडिक्शंस इस बार भी फोरकास्टिंग जो हैं वो फेल हुए वेदर के। लेकिन जब मुझे लगा कि हो जाएगा और मैंने वीडियो भी अपडेट किया था कि अब तो लगता है हो ही जाएगा, तो सच में ही हो गया और अच्छा खासा हो गया। लकड़ बाजार की देखिए मैक्सिमम जो शॉप्स हैं अभी सुबह की वो बंद हैं, ये मेडिसिन का शॉप ये खुल गया है। अब मैं एक्चुअली सुबह में आपको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ये जो स्नो है ये थोड़े अच्छे दिखते हैं, थोड़े रॉ होते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे अभी धूप आएगी यहाँ पे, तो शाम तक तो बहुत ही कम बचनी है, तो इतनी ब्यूटी रह नहीं जाती है इन बर्फ़ों में, तो ये लगभग ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि फरवरी की बर्फ़ है, फरवरी की बर्फ़ टिकती नहीं है, 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाना है सारा का सारा बर्फ। ये थोड़े से जो साइड के जो बड़े बड़े जहाँ पे ये अंबार लगे हुए हैं इधर, तो ये सब थोड़े बच जाएंगे, ये सब 15-20 दिनों तक यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन जो वाइट ब्यूटी है शिमला की लकड़ बाजार की वो दिखनी बंद हो जाएगी। इन बेंचेस को देखिए क्योंकि ये कोल्ड जोन में है, इधर धूप ही नहीं आती इन बेंचेस पे, तो ये तो आपको 8-10 दिन तक दिख जाएंगे अगर बर्फ़ को मैनुअली नहीं हटाया गया तो। देखिए रैंप वाले भी अपनी सेवा देने के लिए चल पड़े हैं मॉल रोड पे ताकि टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके, बच्चों को इस पर बैठा के घुमा सके। यहाँ पे लकड़ बाजार में लगभग बीचों बीच में ये होटल फ्लोरा और इधर है होटल डिप्लोमैट, लकड़ बाजार के बिल्कुल बीचों बीच के इस एरिया से बहुत ही शानदार व्यू आता है पूरे शिमला का, वो एक बार देख लेते हैं। तो सामने तो सनी एरिया है पूरा, तो यहाँ पे लगभग आधे बर्फ मेल्ट हो चुके हैं स्नोफॉल होने के बाद, फिर भी थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट हमें दिख रहा है पैचेज में, लेकिन ये देखिए जो कोल्ड जोन है लकड़ बाजार का
ये वाला एरिया, ये होटल फ्लोरा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी छतें अभी ये वाली। धूप पड़ने के बाद मेल्ट हो जाती है, फरवरी की स्पेशली बर्फ पेड़ पे टिकती नहीं है, और बहुत हेवी स्नोफॉल नहीं हुई थी, मीडियम हेवी इतना हुआ जिसे टूरिस्ट एंजॉय कर सकें और आम पब्लिक, यहाँ के लोकल पब्लिक वगैरह खुश हो सके, इतना बर्फ तो हो ही गया था। थोड़ी बहुत यहाँ पे स्नो देखने को मिल रहे हैं, और जो थोड़े स्नो थे वो साफ करके स्नो कटर से हटा दिया गया है। इतने स्ट्रीट फूड वाले अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं सुबह अपने दुकानों के आगे, ये साफ सफाई करते हुए। इन बेंचेस पे देखिए, इन बेंचेस पे देखिए, काफ़ी स्नो अभी यहाँ पे दिख रहा है यार, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे धूप आती है दिन में, तो जैसे ही धूप आएगी ये शाम तक मेल्ट हो जाना है आज, फिर आपको दिखेगा नहीं। तो ये लकड़ बाजार का ये आपको मैं मॉर्निंग का, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू दिखा रहा हूँ स्नोफॉल का। अभी ऐसे प्रेडिक्शन है कि 3 और 4 मतलब कल परसों की, मुझे लग रहा है संडे या मंडे को फिर से स्नो थोड़ी हो सकती है, प्रेडिक्शन है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होपफुल तो नहीं हूँ मैं, बट कुछ भी हो सकता है शिमला में। लकड़ बाजार में इधर से हम लोग आ चुके हैं, लगभग आधा किलोमीटर हम लोग अभी पैदल वॉक कर चुके हैं इन स्नोई वेज पे, स्नोई पाथ पे। और ये लकड़ बाजार का ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं एंड पॉइंट पे आते हुए, और ये एंड पॉइंट जो लकड़ बाजार का है ये जुड़ जाता है शिमला के रिज से। यहाँ पे रोलर स्केटिंग रिंक भी है, यहाँ पे स्केट्स वगैरह यूज़ करते हैं बच्चे और बड़े, जिनको शौक है वो जाते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं पे करते हैं और वो फिर वहाँ पे एंजॉय करते हैं। हेलो, यहाँ से दोस्तों ये देखिए एरियल व्यू के लिए, यहाँ से भी आप जा सकते हैं लेकिन बर्फ़ ज़्यादा है तो आज यहाँ से नहीं जाएंगे, लकड़ा बाज़ार में ही यहाँ पे बिल्कुल जो कनेक्टिंग जगह है वहीं पे शेर पंजाब होटल, वेज और नॉन वेज के लिए काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये। लेकिन अभी सुबह तो बंद है, अंदर शायद तैयारियाँ चल रही हों, फिर शटर खोल दिया जाएगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे रिज और ये लकड़ा बाज़ार दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये आपको मैं लकड़ा बाजार का ये रिज वाले एंड का व्यू शेयर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। यहाँ से एक बार नज़ारे देख लेते हैं, ये देखिए इन ट्री की ब्रांचेस के ऊपर, वाह कैसे बर्फ है और स्नो हर जगह लकदक लकदक पहाड़ों पे। तो ये ब्यूटी होती है शिमला की स्पेशली स्नोफॉल में, और शिमला क्या पूरे कश्मीर और पूरे हिमाचल उत्तराखंड में लगभग जहाँ पे भी पहले कभी स्नोफॉल होता था, नॉर्मली जब स्नोफॉल होते हैं उन सारी जगहों पे स्नोफॉल हुआ है आज के दिन, तो ये इसलिए काफ़ी खास रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी सारे छोटे वेंडर्स स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, लगभग 15 से 20, अभी तो नहीं है, शाम के टाइम पर वो यहाँ पर जरूर अपना जमावड़ा लगाएंगे, लेकिन अभी मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 9:45 हुए हैं, मुझे आधे घंटे लग गए एक साइड से दूसरे साइड वॉक करने में। तो यहाँ पे लकड़ा बाजार एंड हो जाता है और सामने की ओर आ गया रिज। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और आप स्नोफॉल एंजॉय करते रहिए, वीडियोज भी एंजॉय कीजिए, खुश रहें और स्वस्थ रहें।